नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। यूपी के बलिया में कोटेदार नहीं कर पाएंगे मनमानी, घटतौली का शिकायत होगा खत्म। जिले में 1406 ईपास मशीन से लिंक इलेक्ट्रॉनिक तराजू से कार्डधारकों को मिलेंगे राशन। जिला पूर्ति अधिकारी राम जतन यादव ने बताया कि राशन वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु 1406 ईपास मशीन लिंक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल सहित प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें स्टैंपिंग एवं असेंबलिंग का कार्य प्रगतिमान है। यह मार्च 2024 में ईपास मशीन से वितरण किए जाने के पश्चात पुराने ईपास मशीन को संचालित कर उचित दर विक्रेताओं की कार्यशाला आयोजित कर उन्हें नए ईपास मशीन लिंक विथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल को संचालित किए जाने हेतु प्रशिक्षण देकर नए ईपास मशीन को उचित दर पर विक्रेताओं को दिया जाएगा। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। बाकी का जरूरत में करने के लिए मशीन एक दिन में आ गया। हम लोग इसकी असम्बली करने की जो फिनिश कंपनी है वो आ गए हैं और हमारे वाट पाप के अधिकारी उसकी स्टैंपिंग भी कर रहे हैं। स्टैंपिंग करने के बाद जैसे आज जो हम ब्लाक के सभी विक्रेताओं को 80 विक्रेताओं को लोगों ने मशीन EWS दे दिया है, तो ऐसे ही इसी क्रम में इनको दे करके एक साथ इन लोगों को ब्लाक वार ऐसी ट्रेनिंग देंगे और 27 तक हम लोग इस महीने के लास्ट तक ट्रेनिंग भी दे देंगे और ट्रेनिंग दे करके इनको अगले महीने का जो वितरण होगा हमारा अप्रैल महीने में वो हमारे इसी महीने के इसी मशीन से EWS से होगी। इसमें रहेगा उपभोक्ताओं के लिए कि उपभोक्ता एक बार में जाएगा और अपना अंगूठा लगाएगा और वो उनकी जो ई पॉज मशीन है वो लिंक होगी हमारी उनकी वेइंग मशीन से, वजन मशीन से, और वो वजन मशीन उतनी ही तौलेगी जितना कि उनकी मात्रा होगा। 12 किलो गेहूँ है, 18 किलो चावल है, तो 12 किलो गेहूँ तौल करके ही आगे बढ़ेगी और 18 किलो चावल तौल करके ही नेक्स्ट वाली पे चलेगी, तो उसमें किसी तरह का कोई वजन में कोई संशोधन या फिर कोई कटौती कोई नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो शिकायतें हैं काफ़ी हद तक लोग ठीक है।